गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 11, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। कंसाइनमेंट क्या होता है? जब कोई भी जो पर्सन है, मर्चेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो मर्चेंट है वो गुड्स अपनी भेज रहा है अपने एजेंट को ताकि एजेंट उसे सेल कर सके, तो उसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। वो जो गुड्स वो भेज रहा है एजेंट को उसे कंसाइनमेंट कहा जाता है। तो कंसाइनमेंट मीन्स सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय वन मर्चेंट टू द एजेंट फॉर सेल इन विच द सोल रिस्क रिमेन्स विद द सेंडर। जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, वही रिलेशनशिप जब कंसाइनमेंट भेजता है मर्चेंट, जो मर्चेंट है उसके बीच में और जिसको वो कंसाइनमेंट भेज रहा है, जो एजेंट है जिसको वो भेज रहा है कंसाइनमेंट, उसके बीच में होता है। तो जो रिस्क है वो हमेशा किसका रहेगा? सेंडर का रहेगा, मर्चेंट का रहेगा, जिसने गुड्स को भेजा है। वो पर्सन जो गुड्स को भेज रहा है, मर्चेंट जो है, उसे हम कंसाइनर कहते हैं, और वो पर्सन जो गुड्स को रिसीव कर रहा है उसे कंसाइनी कहा जाता है। जो कंसाइनी है, जो एजेंट है जिसे हम कंसाइनी कह रहे हैं, वो गुड्स को सेल करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, और ये काम करने के लिए, ये रिस्क लेने के लिए वो कंसीडरेशन उसे मिलता है। एक किस फॉर्म में? या तो रेमुनरेशन की फॉर्म में या कमीशन की फॉर्म में। और जो रिलेशनशिप है बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। तो जब कंसाइनर गुड्स भेज रहा है कंसाइनी को, तो उसे आउटवर्ड कंसाइनमेंट कहा जाता है कंसाइनर के नज़रिए से, कंसाइनर के व्यू पॉइंट से। जबकि अगर हम कंसाइनी के प्रस्पेक्टिव से देखें तो उसे इनवर्ड कंसाइनमेंट कहा जाएगा। कंसाइनर क्योंकि गुड्स भेज रहा है तो आउटवर्ड कंसाइनमेंट कहलाएगा, और कंसाइनी के पास गुड्स आ रही हैं तो कंसाइनी के लिए वो इनवर्ड कंसाइनमेंट है। देन आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है कंसाइनमेंट की। तो पहला है दैट इज़ जो रिलेशनशिप है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। जो कंसाइनमेंट है वो सेल से डिफरेंट होता है। कंसाइनमेंट में आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हो पोसेशन गुड्स का एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। ट्रांसफ़र और ऑनरशिप सेल में होता है। कंसाइनमेंट में सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पोसेशन होता है कि गुड्स किसके पास हैं, सिर्फ उसका ट्रांसफ़र होता है। देन जो कंसाइनी है वो सेल करता है गुड्स को एक कंसीडरेशन के लिए। कंसीडरेशन का मतलब कि उसे या तो एक फिक्स्ड कमीशन मिलेगी या किसी और तरीके की रेमुनरेशन उसको मिलेगी। जो एक्चुअल ऑनरशिप की है, ऑनरशिप है गुड्स की, वो कंसाइनर के पास ही रहती है। ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है कंसाइनी को। देन नेक्स्ट इज नीड ऑफ कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट की क्या ज़रूरत है? हर एक जो मैन्युफैक्चरर है, हर एक जो होलसेलर है, वो गुड्स सेंड कंसाइनमेंट पे इसलिए करता है ताकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके। और जो एजेंट होता है उसे नॉलेज होती है कि किस एरिया में क्या कंडीशंस है और वहाँ गुड्स कैसे सोल्ड की जा सकती है। तो जो कंसाइनमेंट है वो हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग दी सेल्स इन डिफरेंट एरियाज। तो कंसाइनमेंट इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर है वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंसाइनमेंट। जब लेवल ऑफ सेल्स इंक्रीज होता है आपका, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रख सकता कस्टमर्स के साथ। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो सेल करता है गुड्स अपनी ब्रांचेज ओपन करके डिफरेंट प्लेसेस पे, और इससे जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो गुड्स है वो कंसाइन करता है, कंसाइनमेंट भेजता है एजेंट्स को, कोई भी जो भी डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट है उनको, ताकि वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सके। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंसाइनमेंट के वो क्या? कि सेल्स को इंक्रीज किया जा सके, न्यू मार्केट्स क्रिएट करके प्रोडक्ट के लिए एडवांटेज लिया जा सके एजेंट की स्किल का जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, या एडवांटेज लिया जा सके प्राइस में डिफरेंस
जो प्रिवेल कर रहा है डिफरेंट प्लेसेस पर। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज कंसाइनमेंट और सेल्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। कंसाइनमेंट के केस में जो ऑनरशिप है वो कंसाइनर के पास ही रहती है, कंसाइनी के पास ट्रांसफ़र नहीं होती है, जबकि सेल के केस में जो ऑनरशिप है वो बायर को ट्रांसफ़र हो जाती है। पेमेंट की बात करें तो जब आपने कंसाइनमेंट भेजा तो जो कंसाइनी है उसे कोई पेमेंट नहीं करनी है, वो लाइबल नहीं होता है फॉर द पेमेंट तब तक जब तक जो गुड्स हैं वो सोल्ड ना कर दें। देन जो सेल के केस में जो परचेजर है वो लाइबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। रिलेशनशिप की बात करें तो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, और इन केस ऑफ सेल जो रिलेशनशिप है वो बायर और सेलर का है। रिस्क इन्वॉल्व की बात करें तो कंसाइनमेंट के केस में रिस्क जो इन्वॉल्व है उसे कंसाइनी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, जो रिस्क है वो कंसाइनर का ही रहेगा, जबकि इन केस ऑफ सेल जो रिस्क इन्वॉल्व है वो ट्रांसफ़र हो जाता है बायर को। एक्सपेंसेस की बात करें तो जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू कंसाइनमेंट उसे कंसाइनर बॉर्न करता है, उसे जो पूरा खर्चा है वो कंसाइनर उठाता है, जबकि इन केस ऑफ सेल, सेल जब गुड्स की हो गई हैं तो उसके बाद के जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो बायर बॉर्न करता है। देन कमीशन की बात करें तो कंसाइनर जो है वो कमीशन देता है कंसाइनी को जब कंसाइनी सेल ऑफ गुड्स करता है उसके लिए। इन केस ऑफ सेल्स जो सेलर है वो किसी तरीके का कमीशन बायर को नहीं देता। रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करें तो जो अनसोल्ड गुड्स हैं वो कंसाइनी कंसाइनर को वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, लेकिन सेल के केस में जब आपकी सेल ऑफ गुड्स हो गई तो बायर रिटर्न गुड्स नहीं कर सकता बिना किसी जेन्युइन रीज़न के। देन अकाउंट ऑफ सेल्स की बात करें तो जो कंसाइनी है वो सेंड करता है अकाउंट सेल्स कंसाइनर को रिगार्डिंग जितनी भी उसने गुड्स बेची हैं। देन इन केस ऑफ सेल्स बात करें तो जो बायर है उसे किसी तरीके का कोई अकाउंट सेल्स सेलर को नहीं देना है। अकाउंट सेल्स होता क्या है ये हम आगे पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इसे बनाया जाता है। अभी के लिए इतना कि अकाउंट सेल्स में जो कंसाइनी है वो पूरा रिकॉर्ड देता है कंसाइनर को कि उसने कितनी गुड्स बेची हैं और क्या क्या अमाउंट कंसाइनी को ड्यू है जो कंसाइनर ने उसे पे करनी है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज़ राइट टू सेल दी गुड्स। जो कंसाइनी है उसके पास राइट है कि वो गुड्स को सेल कर सकता है लेकिन इन द नेम ऑफ कंसाइनर ओनली। इन केस ऑफ सेल जो सेलर है वो गुड्स को सेल करता है इन हिज ओन नेम। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करें तो डिस्प्यूट्स जो हैं अंडर कंसाइनमेंट सेटल होते हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जबकि इन केस ऑफ सेल्स जो डिस्प्यूट होते हैं वो सेटल्ड होते हैं अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कंसाइनमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहला है परफॉर्मा इनवॉइस। जब आप गुड्स को खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है, यहाँ पे जो टर्म है दैट इज परफॉर्मा इनवॉइस। जब गुड्स सेंट की जा रही हैं कंसाइनमेंट पे तो वो सेल्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे इनवॉइस प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। जब आप सेंड कर रहे हो गुड्स कंसाइनमेंट पे तो एक परफॉर्मा इनवॉइस को प्रिपेयर किया जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है रिलेटिंग टू कि नेचर क्या है गुड्स का, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, वेट क्या है, मिनिमम सेल प्राइस क्या होगा एसेट्रा जैसी चीज़ें। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ सेंड की जाती है जिसे हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे कुछ एक्सपेंसेस इंकर किए जाते हैं, वो चाहे कंसाइनर करे या चाहे कंसाइनी करे, लेकिन जो भी एक्सपेंसेस कंसाइनर कर रहा है वो तो खुद उसने करने ही करने हैं, लेकिन कुछ जो एक्सपेंसेस कंसाइनी कर रहा है
वो एक्सपेंसेस कंसाइनर उसे वापस पे बैक करता है। तो इन एक्सपेंसेस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पहला है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और दूसरा है रिकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इंकर किए जाते हैं ताकि जो गुड्स हैं उसे आप जो एजेंट है उसके गोडाउन तक पहुंचा सको, उसकी प्लेस ऑफ एजेंट तक पहुंचाने में जो भी आपके खर्चे होते हैं वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है? फ्राइट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट हो गया, ऑक्ट्राई हो गया, अनलोडिंग चार्जेस एक्सेट्रा। देन बात करते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस की। रिकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इंकर होते हैं जब गुड्स गोडाउन में पहुंच चुकी है कंसाइनी के, उसके बाद के जितने भी खर्चे हैं जैसे गोडाउन का एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, रिपेयर एक्सपेंसेस एक्सेट्रा हो गए, वो सारे रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज कमीशन। जो रेमनरेशन कंसाइनर देता है कंसाइनी को गुड्स को सेल करने के लिए उसे हम कमीशन कहते हैं। ये जो कमीशन है अमाउंट ऑफ सेल्स पर दी जाती है, जितनी आपने सेल्स की है कंसाइनी ने उस अमाउंट पर कमीशन दी जाती है एक प्री डिटरमाइंड रेट से। लेकिन कोई कमीशन कंसाइनी को नहीं मिलेगी उस अमाउंट पर जो मिला है इंश्योरेंस क्लेम का, जो रिसीव हुआ है कंसाइनर को ड्यू टू लॉस ऑफ गुड्स। इन एडिशन सिंपल कमीशन के जो कंसाइनी है उसे और भी कमीशंस दी जा सकती हैं डिफरेंट तरीके की, ताकि जो सेल्स है वो इंक्रीज की जा सके। वो कौन कौन सी कमीशन है? पहला है डेल क्रेडिट कमीशन। कई बार जो कंसाइनर होता है नॉट ओनली वो चाहता है कि जो कंसाइनी है वो गुड्स को सेल करे, बट वो ये भी चाहता है कि अगर वो गुड्स को सेल करता है क्रेडिट पर तो जो डेप्टर्स होंगे उसका जो रिस्क होगा कि पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बैड डेप्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। अगर कंसाइनर चाहता है कि ये जो रिस्क है वो रिस्क भी कंसाइनी ही उठाए, तो इस चीज़ के लिए जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को कमीशन देता है। एडिशनल कमीशन जो कंसाइनी को मिल रही है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि जो भी बैड डेब्ट से लॉस होगा वो कंसाइनी का ही होगा, उसे हम कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। इसके अलावा ये नोट किया जाना ज़रूरी है जब आप क्वेश्चन करते हो कि जो डेल क्रेडिट कमीशन है वो आपने टोटल सेल्स पर देनी है, उसे सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे नहीं देते हैं। हम कह सकते हैं कि जो क्रेडिट सेल्स हैं उसी से तो बैड डेब्ट होंगे, कैश सेल हो गई तो उस पर बैड डेब्ट नहीं होंगे, लेकिन नहीं, जो कमीशन है डेल क्रेडिट कमीशन है वो टोटल सेल्स पर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो उसे आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि जो डेल क्रेडिट कमीशन है वो आप क्रेडिट सेल पर दे रहे हो। अगर क्रेडिट सेल्स पर देना है ये मेंशन नहीं है तो डेल क्रेडिट कमीशन हमेशा टोटल सेल्स पर कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। ये कमीशन अलग होती है, ये कमीशन जो डेल क्रेडिट कमीशन या सिंपल कमीशन है उससे अलग होती है। किस तरीके से ये कमीशन कब दी जाती है? अगर जो आपका कंसाइनी है, जो कंसाइनर ने रेट डिसाइड किया है कि इस रेट पे आपने उसकी गुड्स को बेचना है, अगर आप उससे ज़्यादा प्राइस पर गुड्स को सेल कर रहे हो तो वो जो एक्सेस सेल्स आपने की उस पर आपको ओवरराइडिंग कमीशन मिलती है। तो जब जो कंसाइनी सेल कर रहा है गुड्स को उस प्राइस पर जो अबव द प्रिस्क्राइब प्राइस है, तो उसे एक्सेस जो आपका सेल्स है उसके अमाउंट पर आप ओवरराइडिंग कमीशन पे करते हो। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारा बिटवीन डेल क्रेडिट कमीशन एंड ओवरराइडिंग कमीशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और बाकी की टर्म्स को। थैंक यू सो मच।